श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाली जू की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्रीजी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरे श्रीजी का आश्रय छूट जाए। नहीं नहीं, श्रीजी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेकर चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दने उतारनी है, काटना है। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पास उसके बच्चों को तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते, तो फिर जरूरत नहीं है। फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। ये दिक्कत है प्रभु की, नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्ची बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्चा बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। दो बच्चियां मतलब दो पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं। पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वरण कर लें और बढ़िया गृहस्थी में जीवन बीतीते हैं, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो, समस्याएं कई तरह की होती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी मैं भी अड़ गई। तो दोस्तों, ये है ऋतुराज की और बिष्ट भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है, आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट में ऋतुराज इस पूरी डिस्कशन को जो भी हो रहा है उनके बीच इसको क्लियर कर रही है। तो प्लीज़ पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ इनको इनके हाल पे छोड़ दें। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है ये कपल, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर देंगे। अरे अरे, राम राम, पाड़ा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। वाज दैट मी? यस। बट सम पीपल नीडेड तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर करके, ओह दैट्स हर वॉइस, ओह वी आर इन रितु आर्मी। सो सम फैक्ट्स, एम आई अबला नारी? नो, आई एम नॉट। रियलिटी चेक, द मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुआ, एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी इश्यूज रिजोल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पायलट, बट बिकॉज सेम मैन ड्यूरिंग दीज 8 years Maybe equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी है भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा
क्या अपने दुविधायक प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? यूनाइटेड इट वॉज अ पर्सनल क्वेश्चन। कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात ऐसी ना चुभ गई हो कि बस भगवान का आगे जाके हुए ना हो। इवन आई डेड आपा सब हम सब झूठ बोला डे डे जी लोग कमेंट में लिखने लग रहे हैं, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इश्यू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में वो तीसरी बात हुआ जो चुप सके, होगी कोई बात यार, चुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी, उसने अलग है वो सही, मैंने अलग है मैं सही, अड़ गया वो भी मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया, आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मैं पार्ट थे डिफरेंट में, जब तक शीरी मिली तब तक ये सब इतना नकली लगन, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू, उसके जो उसूल है ना, मैंने आप तो सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो शीशा बनना है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा है और गारंटी लेके कह सको, जितने भी लोग इसने देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू दे पाओगे। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सब के घर तो शीशा के हैं लेकिन घोड़ा के घर में घुस के फुस 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 फुस। इस सोसाइटी को ना जब मैं पार्लियामेंट जा रही थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था, तो ईद तो बात देखी है, बहुत अच्छी राय देख रखी है, ठीक है? तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ ना, मेरे लिए कुछ गलत हुआ है, मेरी श्री जी है मैंने संभाल खातर, अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरु जी मैंने बचा लेंगे, और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है, किसी की भी हेल्प करना। Definitely, I don't need this social media support. और आगे घर में घुस के फुस 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 करके रियलिटी यह है, उसको यू नकली बना देना, सुबह फैला देना, ये सोसाइटी का बहुत तरह का कल्चर है। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हो जाती थी तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाता था, उस पर अत्याचार हो जाते थे। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड हो गई है, जब सब इंडिपेंडेंट होने लग गए, कोई भी औरत अगर सेपरेट हुआ एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यू नहीं है कि एक औरत सही है या एक आदमी सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे, ठीक है?
दिस क्वेश्चन वॉज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन वॉज टू माई श्री जी, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. पीपल हु हैव मेड इट बिग एंड सो कॉल्ड माई हितकारी ऋतुजान शुड बी अशेम्ड. एंड थैंक्स टू पीपल हु व्हेन लुक्ड एट वीडियो बट स्टिल केप्ट साइलेंट थिंकिंग दैट देयर वुड बी अदर साइड टू. There would be more to it. I made this video because what I learned today was कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो जाए. अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसी के अंदर कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा. I cannot forget the 8 years I spent with that man. And I respect him for that. Hogi kuch baat? Hojegi solve to hojegi. Nahi hojegi to Shri ji hai. Theek hai? Aapki zarurat nahi hai. Kindly stay out of it. Alright, Kuchis. Bahut logon ne lagega ki main murkh hoon. If you are getting separated, it's a typical behavior. To blame everything on a man and to show, oh, I am Vichari, I have nothing. To so sorry yaar, na galat karu na galat sahu. Theek hai, Radhe Radhe.